हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैभव, आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम पर। दोस्तों, मैं आपका जनरल अवेयरनेस एजुकेटर वैभव श्रीवास्तव, जो आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक लेके आते रहेंगे। दोस्तों, किसी टेक्निकल इशूज़ की वजह से हम आपसे आज लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन है जिसमें मेरा फेस भी नहीं आ रहा है। कुछ वॉइस इशू था जिसमें इको प्रॉब्लम थी, सो उसी को टैकल किया जा रहा है। इसलिए आज हम आपको लाइव सेशन नहीं लेके आ रहे हैं। आपसे हम वापस से लाइव सेशन से मिलेंगे 14 तारीख से, 14 साढ़े सात यानी 14 को 7:30 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है दोस्तों, आज आप सभी को पता है अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है दोस्त, जहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, डेली के डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड MCQs और ढेर सारे क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। लाइक आपको किसी भी रेलवे, SSC, बैंक, कोई सा भी UP SSSC, UP PCS, BPSC, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे। और दोस्त, यहाँ पे याद रखना, अनलिमिटेड एक्सेस है बहुत सारे फैकल्टीज की क्लासेज, आप देख सकते हो यहाँ पे, बस एक बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ। ठीक है, एक सब्जेक्ट के ढेर सारे फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो दोस्त आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, बट उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। तो सब्सक्राइब करने के आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। अगर आप सबसे बेस्ट मानो, मेरी बात मानो, तो सबसे बेस्ट है आपके कितने मंथ वाले, 12 मंथ के, जिसमें आप एक साथ अगर पे करोगे तो ओनली 5,400 रुपी, केवल 5,400। अगर ये मंथ वाइज देखो तो कितना आ रहा है, केवल 450 रुपये। और दोस्त, अगर इससे भी अच्छा चाहिए, इससे भी कम रेट में, तो आपको 24 मंथ का लेना होगा। 24 मंथ कितने का पड़ रहा है, 6,480। और मंथ वाइज कितना होगा ये, ओनली पर मंथ का कितना है, 270 रुपीज़ पर मंथ। दोस्त अगर आपको बताएं, अगर आप इससे भी और कम करना चाहते हो तो आप एक कोड फॉलो करना, VH10। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको 10% का और क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये थे हमारे क्या, हमारे रिचुअल्स, हम आपसे डेली डिस्कस करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आज हम आपसे दोस्त बात करने वाले हैं, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, स्कीम्स थे, 19 स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। उस एग्जाम के क्वेश्चन को MCQs के तौर पे ला रहे हैं, और साथ में हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे उन स्कीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इस स्कीम्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप प्लस कोर्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वैसे भी इस बाकी के सारे पार्ट्स हम आपके यूट्यूब के थ्रू भी आपके सामने मिलते रहेंगे इसको लेके। फिलहाल आज आप MCQs के बारे में बात करते हैं। MCQs में बात करें, हमारा पहला MCQ यानी पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम पेंशन गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मिनिमम पेंशन कितना रुपए मिलेगा जो गारंटीड है। आपके ऑप्शन हैं 1,000, 2,000, 3,000, 5,000। ठीक है, तो दोस्त याद रखना, मिनिमम आपको कितना मिलेगा, ऑप्शन ए सही है इसका, यानी कि 1,000 रुपी। ठीक है, और दोस्त बात आई किसकी, अटल पेंशन योजना की। मेरी बात मेरे साथ साथ सुनते चलना, बहुत स्लो में लेके चल रहे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना, अटल पेंशन योजना दोस्त लाया गया था 2015 में, 2015 में ये स्कीम लाई गई थी 9 मई को, और इस स्कीम को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, कहाँ से, कोलकाता से। ठीक है दोस्त, याद रखना, अटल पेंशन योजना किसके लिए था, तो ये स्कीम उन लोगों के लिए था जो एक्चुअली में किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक्चुअल में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोगों, यानी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए था। कौन सा स्कीम, अटल पेंशन योजना, जिसको ज्वाइन करने की एज, मिनिमम एज थी दोस्त 18 साल, और मैक्सिमम एज थी 40 ईयर्स यानी कि 40 साल, जो 2018 में पीएम मोदी ने इसके मिनिमम एज को तो एज इट इज रखा 18 इयर्स, बट मैक्सिमम एज को दोस्त बढ़ा के इन्होंने कितना साल कर दिया, 50 इयर्स। याद रखना, अगर आप कोई पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना, तो एज कितना है, 50 इयर्स, एंड मिनिमम पहले कितना था, 40 इयर्स, और मिनिमम कितना है, दोनों का एज इट इज कितना है, 18 इयर्स। आपको याद रखना इस चीज को। ठीक है, और दोस्त पेंशन कितने साल के बाद मिलेगा, तो 60 साल के बाद पेंशन, आप सभी को पता होगा पेंशन कितने साल के बाद मिलता है, 60 इयर्स के बाद। तो आपको याद रखना, अटल पेंशन योजना कितने रुपए, मिनिमम कितना गारंटी मिलेगा, तो मिनिमम 1,000। अब इसके बारे में भी देख लो, इसमें पेंशन कितना था, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 5,000 रुपी हुआ करता था हर महीने, कितने साल के बाद, 60 ईयर के बाद। ठीक है, कब ये 5,000 कब था, जब मोदी, यानी कि जब 2015 से स्कीम 2018 तक चली, 2018 तक,
जब 40 ईयर्स मैक्सिमम एज हुआ करता था तो मैक्सिमम पेंशन अमाउंट कितना था 5000। जब आज में 50 ईयर्स हो गए इसके मैक्सिमम एज, तो इसका मिनिमम होगा 1000 एंड मैक्सिमम इज 10,000 रुपी। यानी मिनिमम कितना मिलेगा पेंशन 1000 और मैक्सिमम कितना मिलेगा 10,000 इसमें पेंशन मिलेगा। लेकिन दोस्त आपको याद रखना इसमें पेंशन के अमाउंट कैसे होंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, तो ऐसे आपके क्या होंगे, आपको ऐसे 4-5 यानी ऐसे आपको नहीं मिलेगा 3500, ऐसे नहीं मिलना है आपको। जब मिलेगा 3000 मिलेगा, जब मिलेगा 4000 मिलेगा, जब मिलेगा 5000 मिलेगा। तो आपको याद रखना अटल पेंशन योजना मिनिमम अमाउंट कितना 1000 रुपी। इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आप देखते रहना, आगे मिलेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मिनिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। ठीक है, वॉट इज द मिनिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना। मिनिमम एज क्या है अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने का, 25 ईयर्स, 22 ईयर्स, 18 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो दोस्त याद रखना ऑप्शन अभी जस्ट बता किया आपने, ऑप्शन सी होगा 18 ईयर्स। इसका मिनिमम एज क्या है ज्वाइन करने का, 18 साल। और अभी फिर से अगर क्वेश्चन मैक्सिमम एज का पूछा जाए तो अभी आपको बताना है कितना दोस्त, 50 ईयर्स। मतलब मिनिमम कितना है 18 ईयर्स, आपको याद रखना। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज एट विच सब्सक्राइबर विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर को कितने साल के बाद पेंशन मिलना शुरू होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कितने साल के बाद पेंशन मिलना शुरू होता है, 60 ईयर। तो आपको याद रखना दोस्त इसका ऑप्शन डी सही होगा, 60 साल के बाद क्या मिलेगा, 60 ईयर्स के बाद क्या मिलेंगे, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो सब्सक्राइबर वो एलिजिबल हो जाएगा 60 साल के बाद पेंशन पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम पेएबल बाई द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्त इसके बारे में देखो, ये MCQs, ये आपको बता दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है और है भी, क्योंकि दोस्त ये स्कीम आज भी चल रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, इसको क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया PGDBF के एग्जाम में। जब PGDBF का एग्जाम हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसमें एक क्वेश्चन पॉइंट आउट किया गया था। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये फ्लैगशिप क्वेश्चन स्कीम से क्वेश्चन पॉइंट आउट होता ही है एक एग्जाम में। जैसा मेरे को याद है कि 2019 SBI क्लर्क, जो SBI क्लर्क अभी आया 20 वाला मेंस, वैसे 2019 वाला जो मेंस था उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। आपका IBPS क्लर्क मेंस, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम, किसका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। अब देख लो दोस्त, PMJJBY जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम भी 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसको ज्वाइन करने का एज है 18 और मैक्सिमम एज है कितने साल ज्वाइन करने का, 50 साल। दोस्त याद रखना इसका पर एनम प्रीमियम कितना रुपए है, 330 रुपए पर एनम। और इस 330 रुपए को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, 289, ठीक है, 30 और 11। 289 जाता है किसके पास, LIC, 30 रुपए जाता है किसके पास, सॉरी यहां पे LIC के एजेंट के पास जाता है, और दोस्त 11 रुपए जाते किसके पास, बैंक के पास। तो 330 रुपए पर एनम होगा क्या आपका प्रीमियम, पर मंथ का, सॉरी पर प्रतिवर्ष का, यानी पर एनम, पर ईयर का। ठीक है, और दोस्त आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति डेथ करता है, इसको जाने क्या डेथ करता है, और वो डेथ नेचुरल डेथ नहीं, एक्सीडेंटल या कैसे भी डेथ होती है, नेचुरल डेथ नहीं, नॉर्मल डेथ अगर होती है, कोई किसी कैजुअल्टी डेथ होता है, कोई कैजुअल नॉर्मल ऐसे नहीं, सडन कोई किसी की डेथ होती है, तो मरने के बाद कितना मिलेगा उसको, 2000 रुपए का क्या मुआवजा, यानी कि रिम्बर्समेंट करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्त, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एनुअल प्रीमियम कितना है, तो अभी जस्ट आपने अब आपको बताया था 330 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, इसका आंसर बी, यानी 330 पर एनम होगा। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर पेएबल टू द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सब्सक्राइबर का आफ्टर डेथ, डेथ के बाद कितना रुपए मिलेगा। तो जैसे अभी आपने देखा 50,000, 1 लाख, 1 लाख 50,000, 2 लाख, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए, यानी मरने के बाद कितना, 2 लाख। दोस्त ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है,
मरने के बाद 2 लाख, किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज नॉट अलाउड आफ्टर द एज ऑफ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किस एज के बाद अलाउ नहीं है ऐड होने का? तो हमने आपको बताया था इसकी ज्वाइनिंग एज है मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम इज व्हाट, यानी क्या 50 इयर्स, यानी कितना साल है? ऑप्शन बी 50 साल इसको ज्वाइन करने का मैक्सिमम एज लिमिट है। किस किस स्कीम के तहत? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा 50 इयर्स, ठीक है। उसी क्वेश्चन को दोस्त याद रखना, अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, एक आप स्कीम को ध्यान रखना, इस स्कीम को हम और अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आज एमसीक्यू करा रहे हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं वैसे एमसीक्यूज को देख लो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हम आपको वापस से इसका वीडियो बनाएंगे और अलग तरीके से केवल लिख के बताएंगे, आपको समझा के बताएंगे। फिलहाल अभी एमसीक्यू देखो, अगर एमसीक्यू से नहीं समझ में आता तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the annual premium payable under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana ke antargat annual premium kya hai? Jisko bhi dekh lo, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana kab aaya tha? 2015. ठीक है, और इस स्कीम कहां से लॉन्च किया गया था? कोलकाता से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कहां से लॉन्च हुआ? कोलकाता, किस ईयर में? 2015 में, ठीक है। तो दोस्त आपको याद रखना है क्या कि सीधा सीधा इसका इसमें प्रीमियम कितना है, तो इसका इसको ज्वाइन करने का एज क्या है? तो 18 साल से इसको ज्वाइन करने का एज है, मैक्सिमम एज इज 70 इयर्स, यानी 70 साल इसका एज है ज्वाइन करने का। और दोस्त इसमें दो चीज़ें याद रखना है, एक्सीडेंटल स्कीम था, एक था पार्सली डैमेज और एक होगा ये फुल्ली डैमेज। पार्सली डैमेज की बात करें तो पार्सली डैमेज होने पर कितना रुपये? 1 लाख रुपये। और फुल्ली डैमेज होने पर कितना रुपये? तो 2 लाख रुपये इसके लिए क्या था, इसको देना था। पार्सली डैमेज मतलब दो आंख, दो हाथ, दो पैर हैं, तो एक्सीडेंट होने के बाद एक हाथ कट के पूरी तरीके से अलग हो गया, एक पैर कट के पूरी तरीके से अलग हो गया, ऐसे में कौन सा डैमेज? पार्सली डैमेज। और फुल्ली डैमेज कितना? तो आपको याद रखना है 2 लाख रुपीज, यानी दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, दोनों हाथ चले गए ऐसे केस में। और पार्सली डैमेज होने पर 1 लाख, और यहाँ पे और इसका ज्वाइन करने की प्रीमियम कितनी है पर एनम? तो आपको याद रखना 12 रुपये पर एनम है इसका प्रीमियम। 12 रुपये कितने कितने के पास? तो 10 रुपये जाता है किसके पास? LIC। 1 रुपये जाता है दोस्त एजेंट के पास, और 1 रुपये जाता है किसके पास? बैंक के पास, ठीक है। 10 LIC, 1 एजेंट, 1 बैंक। तो याद रखना आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पर एनम प्रीमियम कितना है? 12 रुपीज पर एनम की बात है, ठीक है। तो आपको याद रखना 12 रुपये प्रतिवर्ष क्या है इसके प्रीमियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर टू द सॉरी सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ फुल डिसेबिलिटी, यानी क्या? पूरा का पूरा गड़बड़ होने पर प्रधानमंत्री यानी फुल यानी कि पूरी तरीके से डिसेबल, यानी हमने बोला पार्सली एंड फुल्ली, अगर फुल्ली डिसेबल होने पर तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कितना कवर दिया जाएगा? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी 2 लाख रुपए, यानी क्या? फुल्ली डिसेबल होने पर 2 लाख एंड पार्सली डिसेबल होने पर 1 लाख, जैसा कि अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप टू हुम द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल, किस एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अवेलेबल है? तो 18 to 40 years, 18 to 50 years, 18 to 60 years, 18 to 17 years। तो ऑप्शन डी याद रखना, 18 से 70 साल के लोग कौन सा स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ज्वाइन करने की एज है 18 से 70 साल, ठीक है। तो दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ पार्सली डिसेबिलिटी, पार्सली डिसेबल होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस का रिमबर्समेंट अमाउंट कितना है जो सब्सक्राइबर को दिया जाएगा, ठीक है। तो रिमबर्समेंट कितना दिया जाएगा पार्सली, हमने फिर से बात कर रहे हैं पार्सली डैमेज होने पर और फुल्ली डैमेज होने पर, तो पार्सली डैमेज होने पर यहां पूछा जा रहा है, तो 1 लाख 50,000, 2 लाख 50,000। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इट्स माय मिस्टेक ऑप्शन ए 1 लाख रुपए दिया जाएगा क्या होने पर?
पार्सली डैमेज होने पर कितना लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और फुल्ली डैमेज होने पर कितना दिया जाएगा, 2 लाख रुपए। तो हमें कितना क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, पार्सियल डिसेबिलिटी, तो पार्सियल डिसेबल होने पर कितने रुपए, 1 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू ए होल्डर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो दोस्त याद रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को, जिस स्कीम को दोस्त याद रखना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया। ठीक है, इस स्कीम को कोई 10 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, याद रखना 10 ईयर्स प्लस कोई भी कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकता है। और आपको ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना ऐसा याद रखना जिसका टैगलाइन था मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका टैगलाइन था मेरा खाता भाग्य विधाता, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका टैगलाइन हुआ करता था। इसमें एक्सीडेंटल डेथ पर कितना था, तो इसका टोटल इंश्योरेंस था 1,30,000 रुपये जब आया था ये, लेकिन इसको 2018 में पीएम मोदी ने बढ़ा के कर दिया 2,30,000 अमाउंट टोटल। 2,30,000 में 2 लाख था दोस्त इसका, क्या 2 लाख था एक्सीडेंटल स्कीम अमाउंट, एंड डेथ के लिए कितना था, तो आपको याद रखना डेथ के लिए था कितना रुपए, 30,000 रुपी। तो एक्सीडेंटल 2 लाख और डेथ के लिए 30,000, तो आपको याद रखना आफ्टर डेथ कितना। तो यहां क्या पूछा हुआ, एक्सीडेंटल डेथ कितना था, तो दोस्त याद रखना, सॉरी इसमें था एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, तो दोस्त याद रखना पहले क्या, अगर बात करें तो इसमें फाइनली क्या था, डेथ की बात की जा रही है तो इसमें ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल में इसका होना चाहिए क्या, यहां पर ऑप्शन होना चाहिए एक जगह पे 30,000, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कह लो तो 30,000 रुपये क्या था एक्सीडेंटल एंड डेथ के बाद कितना था। यहां देखो हम लोग टिक कर लेंगे एक्सीडेंट देख के, एक्सीडेंट देख के हम लोग सीधे टिक कर लेंगे 2 लाख, एक्चुअल गलत है, यहां पे डेथ लिखा हुआ याद रखना। मृत्यु के बाद कितना था, तो मृत्यु के बाद कितना था 30,000 रुपये, और एक्सीडेंटल होने, अब एक्सीडेंट होने पर पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया 2 लाख रुपये, कितना 2 लाख रुपये। ठीक है, तो आपको याद रखना, ठीक है, तो आप क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो आते हैं देख नेक्स्ट क्वेश्चन की ओ, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट अलाउड टू द अकाउंट होल्डर आफ्टर 6 मंथ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 6 महीने ज्वाइन करने के बाद, 6 महीने बाद कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट के लिए वो एलिजिबल होता था, यानी कितना था ओवरड्राफ्ट। तो आपको बता दें दोस्त, प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहले था ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपी, बसरते कब, जब आप उस अकाउंट को कितने महीने अच्छे से चला लेते हो, 6 मंथ। बट यही 5,000 रुपी अब बढ़ के कितना हो गया, 10,000, हमने बताया जैसे 2018 सितंबर मंथ में। ठीक है, तो अब इसको 10,000 रुपए कर दी कब, जब उस अकाउंट को लोग कितना महीने अच्छे से चला लेगा, 6 मंथ। तो दोस्त आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी 10,000 रुपी, कब, जब उस अकाउंट को आप कितने महीने अच्छे से चला लोगे, 6 मंथ आप अच्छे से चला लोगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोगन टैगलाइन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का टैगलाइन क्या है, स्लोगन क्या है, तो आपको आपके ऑप्शन है, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल की फिक्र नहीं, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो आप सभी को पता होगा अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इसका टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, आपको याद रखना है इसका टैगलाइन किसका, जनधन योजना का, मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट पॉइंट, अप टू व्हाट एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड कैन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना बी ओपन, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने साल की मिनिमम एज में, नहीं सॉरी, कितने साल की बच्ची से ज्वाइन कर सकती है। तो दोस्त याद रखना इसका आंसर होगा अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल, तो आपको बता दें इसका आंसर सी होगा 10 ईयर्स, यानी ऑप्शन सी। अब सुकन्या समृद्धि को सुन लो, सुकन्या समृद्धि योजना को सक्सीड, यानी कि लाया गया था किसे सक्सीड करके, किसको हटा के, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कॉन्सेप्ट को ही। दोस्त ये स्कीम लाई गई थी 2015 में 2015 में, और इसमें ज्वाइन कर सकती थी 10 साल की बच्ची, 10 साल के ऊपर की कोई बच्ची ज्वाइन नहीं कर सकती थी, और इसमें 1 साल में पैसा जमा करना था मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम था है दोस्त अभी प्रेजेंट टाइम पे 250 एंड मैक्सिमम इज 1,50,000 रुपी। मैक्सिमम इज, मैक्सिमम अमाउंट कितना है 1.5 लाख रुपए एंड मिनिमम इज 2,50,000 रुपी, 2 लाख सॉरी 250 रुपीज, ओनली 250, पहले ये हुआ करता था 1,000 रुपए,
अब कितना है, 250 रुपये। दोस्त याद रखना, जो पेरेंट्स इसमें इनरोल कराया है अपनी बच्ची को, उसको गवर्नमेंट ने बोला इनकम टैक्स एक्ट यानी इनकम टैक्स में उसको डिडक्शंस भी मिलेंगे, 80C के अंडर में इनको क्या मिलेगा, छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है किसमें, खाता खुलवाने का, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट टू बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, एनुअल डिपॉजिट कितना है अंडर सुकन्या समृद्धि योजना में, व्हाट इज द मिनिमम पूछा है यहां पे। मिनिमम तो जैसा कि अभी हमने बताया सुकन्या समृद्धि में मिनिमम है 250 और मैक्सिमम इज 1,50,000 रुपी, 1,50,000। पहले ये कितना हुआ था, 1,000 रुपए। तो आपको याद रखना कितना है अभी प्रेजेंट टाइम पे, 250 रुपए। आपके ऑप्शन 1,000 भी होंगे बट आपको 1,000 टिक नहीं करना क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे कितना चल रहा है दोस्त, 250 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच एंटिटी मॉनिटर्स द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को मॉनिटर करने वाला बैंक, कॉमर्शियल बैंक कौन सी एंटिटी थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है नाबार्ड, SBI, RBI या SIDBI। दोस्त याद रखना किसान क्रेडिट कार्ड को लाया गया था, कौन मॉनिटर करता है, तो इसका आंसर ए होगा, कौन, नाबार्ड। और देखो मॉनिटर, अगर यहां पे मॉनिटर्स भी है तो कहीं कहीं ऑप्शन आप देखोगे RBI का भी टिक किया होगा, लेकिन रेगुलेट करता है कौन, नाबार्ड, और मॉनिटर करता है कौन, RBI। तो ठीक है याद रखना, तो आपको यहां पे देखना, यहां में हम दोनों ऑप्शन इसीलिए दे रखा है अगर ताकि आपको समझा सके हम यहां पे क्या, कॉमर्शियल बैंक विच एंटिटी मॉनिटर्स, तो मॉनिटर की बात आएगी तो आपको टिक करना है किसको, RBI। अगर यहां पे रेगुलेट करने की बात आएगी तो किसका नाम आएगा, नाबार्ड। तो आपको दोनों ऑप्शन को याद रखना है दोस्त, और आपका ऑप्शन दोनों दिया रहेगा यहां पे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉनिटर्स में तो आपको किसको टिक करना है, RBI। और यहां रेगुलेटेड अगर होगा तो याद रखना, तो रेगुलेटेड होगा नाबार्ड। आपको बता दें 1998 में लाया गया था कॉन्सेप्ट क्या, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, KCC। और दोस्त याद रखना इसको RV गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, RV गुप्ता, और इसको रेगुलेट करता है कौन, नाबार्ड, और किसके मॉनिटरिंग में, RBI के मॉनिटरिंग में। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, आपने एम ही जवाब देना है, आपको जो सूटेबल लगेगा जैसा ऑप्शन दिखेगा वैसा आपने जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृत, अमृत का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है दोस्त, अमृत आज में जाना जा रहा है किसको बदल के किया गया, JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन एंड रिन्यूअल मिशन। ठीक है दोस्त, उसी का नाम बदल के किया गया अमृत। ऑप्शन आपके चार, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है एडिशनल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है अटल मिशन फॉर रिसाइकल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्त याद रखना इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखना इसका नाम, और इस किसको बदल के लाया गया, JNNURM स्कीम को बदल के लाया गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशियल प्रोडक्ट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बात आई दोस्त मुद्रा की, अब इसको देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा याद रखना यह भी लाया गया था कब, 2015 में। इसमें तीन नाम आते हैं, शिशु, तीन कैटेगरी में डिवाइड है, शिशु एक है, किशोर और एक है दोस्त तरुण। तो याद है क्वेश्चन यहां क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशियल प्रोडक्ट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन है आपके शिशु, वृद्धा, तरुण, किशोर। तो कौन ऑड सा लग रहा है, ऑड आपका लग रहा है बी ऑप्शन, यानी कौन सा, वृद्धा। आपको क्या लग रहा है, ऑड सा लग रहा है वृद्धा, यानी क्या क्वेश्चन है, इज नॉट एन इनिशियल प्रोडक्ट, तो कौन सा नहीं है, तो वृद्धा नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धा। एक्चुअली इसके तीन कैटेगरी है, कौन, एक है शिशु, एक है किशोर और एक है तरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय कैबिनेट कमिटी टू प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शंस टू वुमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन। इनमें से क्या नाम है जो BPL कार्ड होल्डर्स को LPG गैस कनेक्शन प्रोवाइड करेगा कैबिनेट
कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट कमिटी, और क्या नाम था उसका, उस स्कीम का नाम क्या है? तो आप गैस के लिए, जो एलपीजी गैस के लिए, तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला स्कीम, या नन ऑफ दीज। तो दोस्त आप सभी को पता होगा, तो कॉमन स्कीम रहा है, सबको जानते होंगे, सबके घर में भी होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को दोस्त लाया गया था यूपी के एक जिला है जिसका नाम है बलिया जिला, यूपी के बलिया से लॉन्च किया गया 1 मई 2016 को, फर्स्ट में 2016 को यह स्कीम लॉन्च किया गया। किसके लिए? जो महिलाएं कौन सी हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे जिनका जीवन गुजर बसर हो रहा है, ठीक है, जिसको 15 किलो का फ्री एलपीजी सिलेंडर, सब्सिडी वाला सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। किस स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसबीडीए? दोस्त याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसके ऊपर अभी वीडियो बनाएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के वीडियोस में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज तो बस एक एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आयर के जैसा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका आज मिस ना हो कोई चीज, आप इसको देखो, इस वीडियो को, और जो चीजें ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको कमेंट करके सब बताएंगे भी, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर आप जवाब नहीं देते हो, तो दोस्त याद रखना, जो प्रीमियम वाले होते वो पता नहीं चल पाता, एक्चुअली हम लीव पर थे ताकि आपका मिस ना हो, इसलिए हम आपको प्रीमियर वीडियो यानी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप कुछ नहीं तो कुछ तो पढ़ लो, या इससे अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो आपको 20 से 25 मिनट पढ़ना बुरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसबीडीए, बीएसबीडीए का पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो आपको याद रखना, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, बेसिक सेविंग बेसिक डिपॉजिट नहीं, ऑप्शन देखो कॉमन ही लग रहा है, बेसिक सेविंग बेसिक डिपॉजिट, बेसिक सिंपल बैंक डिपॉजिट, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना, इसका कोई मतलब नहीं इन सब का, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। याद रखना, जिसका एडवर्टीजमेंट अभी आरबीआई कर रहा है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं केएल राहुल और उमेश यादव, इस स्कीम का प्रचार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्त, बीएसबीडीए का पूरा नाम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। दोस्त ये थे आपके क्या, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस स्कीम के ऊपर है, बेस्ड है, आप इसको देखो, अगर ये नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को बताना, ये बहुत इजी स्कीम हमने पॉइंट आउट किया है, बहुत पुराने स्कीम्स भी थे, लेकिन आज पुराने तो हैं लेकिन एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे डिस्कस किए इसको। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कम से कम कर सकते हो, एक नहीं तीन एग्जाम में पूछे गए हैं, तीन तीन एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन है जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे फिलहाल इसके ऊपर, इसका वीडियो पूरा पूरा लाएंगे प्रॉपरली। तो आज का ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और साथ सब्सक्राइब करना। और दोस्त फिर हम आपसे इसी दिन मिलेंगे, कल शाम में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।